नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस्लाम में मुहर्रम महीने की एक काफी अहमियत है और मुहर्रम के 10वें दिन, मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है और इस पहले महीने के 10वें दिन इस्लामिक कैलेंडर के 61वें साल में इराक शहर के कर्बला में जो वाकया हुआ, वह 1400 साल बीतने के बाद भी न बुलाया जा सका है न बुलाया जा सकेगा। इस्लाम के प्रचारक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ 72 लोग जो शहीद कर्बला में हुए, और साथ ही साथ इमाम हुसैन के जो अहले बैत परिवारजन थे, उनके साथ जो जुल्म सितम कर्बला में हुए, वो तारीख में पहले किसी के साथ हुए नहीं है और ना ही इस तरह से होगा। इमाम हुसैन जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उनके साथ इतने जुल्म सितम मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुए और अंत में मुहर्रम की 10वीं तारीख को, जिसे आशुरा के नाम से मशहूर है, दोपहर के बाद इमाम हुसैन को शहीद किया गया। उसकी याद में हर साल, जैसा मैंने आगे कहा कि मुहर्रम मनाया जाते हैं और वो गम न कभी बुलाया जा सकता है न बुलाया जा सकेगा, इसी की याद में मुहर्रम हर साल मनाए जाते हैं। इस साल भी कल 16 जुलाई को मुहर्रम का आशुरा का दिन था और इस आशुरा के अवसर पर वसई अंतर्गत, वसई के दीनदयाल नगर और वसई गांव की मस्जिदों में अलग अलग कार्यक्रम हुए, जहां पर आशुरा का मुहर्रम का जुलूस निकला। साथ ही साथ एक विशेष प्रकार का व्यंजन हलीम, जिसको बोला जाता है, वो हलीम का वितरण किया गया, शरबत पिलाया गया वसई गांव के मस्जिद ट्रस्टियों द्वारा और वहां के मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित किया। वहीं दीनदयाल नगर में KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और उनकी सहयोगी दूसरी कमेटी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए, इस कार्यक्रम से जुड़ी ये कवरेज। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। में जैसे कि आप 10 मुहर्रम है, यौमे आशुरा है, तो आज के दिन आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका नाम बताइए। मेरा नाम आसिफ काजी है, KGN वेलफेयर कमेटी का अध्यक्ष हूँ मैं। यहाँ पे जो है मुहर्रम 40 सालों से मनाया जा रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलके मनाते हैं, सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, धर्म के लोग मिलजुल के मनाते, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तक कोई मसला नहीं हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे इतने सालों से जो है कि लोग जो है कि एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के धर्म में, जैसे गणपति भी रहा या और भी दूसरा धर्म रहा, कोई किसी का मतलब आपस में सहयोग करते हैं दूसरे के। और इमाम हुसैन के नाम पे क्या नियाज वगैरह बांटी जाते हैं? नाम पे यहाँ पे शरबत बनाया है लोगों ने, और नियाज बनाया है, जैसे खिचड़ा है, बिरयानी है, पुलाव है, सब बनाया है, सब उनके नाम से तकसीम करते हैं, सब जो है तकसीम करते हैं, लोगों गरीबों में बांटते हैं। इमाम हुसैन के नाम से जिन्होंने मन्नत मुरादी मांगी है, उनकी मन्नत मुरादी पूरी होती है, तो मुहर्रम पे आके अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, मन्नत पूरी करते हैं। अपने भारत देश के लिए क्या दुआ मांगना चाहेंगे? भारत देश के लिए कि आपस में हम मान रहे, आपस में प्यार मोहब्बत रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और जो भी फिंटाप्रस्ट फॉर्म है, जो भी वो अपने मनसूबे में कामयाब ना हो। और यहाँ का पुलिस प्रशासन का सहयोग कैसा है? प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है और हर वक्त हर घड़ी अपना साथ देते हैं, वो किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं देते और पहले ही अपना हर चीज में हर साथ मदद देते हैं, हम भी उनको कोऑपरेट कर देते हैं। धन्यवाद। फातिमा तेरी चादर का
था क्या पूछना, तेर चादर करे साले सलाम पर फातिमा, तेरी चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर करे साले सलाम पर, तेरी चादर करे साले सलाम पर, तेरी चादर के टुकड़े बहतर हुए हबीबे खुदा हुसैना तेरे बाबा, हबीबे खुदा और शावर है मौला अली मुर्तजा, और शावर है मौला अली मुर्तजा, चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।